दोस्तों गुम है किसी के प्यार सीरियल में लेटेस्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हरनी मिसकैरेज के बाद डिप्रेस हो जाएगी, वो आत्महत्या करने की कोशिश करेगी, सभी उसको समझाएगी और उधर संध्या गुप्ता के यहाँ एडमिशन टेस्ट के लिए सभी नहीं पहुंचेगी। ईशान परेशान होगा और किरण को जेल होगी। पाली राव उसके पेरेंट्स को भगा देगा। शो में दिखाया जाएगा कि दुर्वा ईशान के कान भरेगी और सभी उसकी बात माने बिना वो गरबा खेलने चली जाएगी। वो उसे खोजने गई तो वो छत पर देखेगी। हरनी रोज रोज की मारपीट से आजिज आकर आत्महत्या करने की कोशिश करेगी। सभी भी उसके साथ छत से कूदने के लिए खड़ी हो जाएगी। हरनी उसे ऐसा करने को मना करेगी, कहेगी कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। सभी बोलेगी कि वो भी उसके बिना नहीं जी पाएगी। किरण को बाजीराव लॉकअप में रखेगा और उसके पेरेंट्स बचाने पहुंचेंगे तो वहीं उन्हें डांट कर भगा देगा। कहेगा कि उसके बेटे का खून देखकर उसे दुख हो रहा है और उसने एक बच्चे का खून कर दिया, उसकी माँ का दर्द नहीं दिख रहा। हरनी से मिलने भवानी काकू पहुंचेगी। ये हरनी को तो दिलासा देगी लेकिन सभी के लिए नफरत दिखाएगी। सारे फसाद की जड़ सभी को बताएगी। वो हरनी से कहेगी कि सभी को मरा समझ ले वरना घर बर्बाद कर देगी। हरनी पर किरण की शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा। सभी मना करेगी। सभी का फोन हरनी के घर पर गिर गया था और ईशान उसे फोन करता रहेगा लेकिन वो फोन नहीं उठाएगी। वही हॉस्टल नहीं पहुंचती है तो उसकी सहेलियां परेशान होंगी। ईशान उन लोगों से कहेगा कि वो सभी को कुछ नहीं होने देगा। संध्या गुप्ता कोचिंग क्लासेस से फोन आएगा कि टेस्ट में 5 मिनट है, सभी नहीं पहुंची। रिसेप्शनिस्ट धमकी देगी और अगर वो टेस्ट में टाइम पर नहीं आई तो 1 साल के लिए ब्लॉक कर दी जाएगी। ईशान गुस्से में फोन फेंकेगा। और इसी के साथ प्रोग्राम में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं जो आने वाले हैं, जो हमें आपको टाइम टू टाइम बताने हैं। तो बस बने रहिएगा आइडियल टीवी के साथ। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम ही तो हैं जो आपके लेके आते हैं ढेर सारे सरप्राइजेस।